है 1K का सेलिब्रेशन यही पे होने वाला है। केक भी यहाँ पे रेडी है। सेंटर में मैं 90 मिनट्स के अंदर अगर कितनी भी बस चेंज करूँ सिटी सेंटर के तो मेरा 1 ही यूरो होगा कट। चिकन बनाना है तो आज बनेगा चिकन और मैं बनाऊंगा चिकन। सो चिकन बनने के बाद मैं सोच रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने लिया है एक नया सा विला, नया सा घर उनके लिए, तो सोच रहा हूँ वहाँ पे विजिट करके आपको दिखा उन लोग का घर कैसा है, क्या क्या रेंट है और सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा। सो अभी फटाफट फ्रेश होके बनाते हैं चिकन और देखते हैं कैसी बनती है चिकन। सो स्वागत है और व्लॉग एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसे प्यार करते रहना। चिकन को निकाल के रखा है, तब तक हम थोड़ा सा दूध गर्म करते हैं और उसके साथ थोड़ा ब्रेड खाते हैं क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और लेट हो गया। आज एक्चुअली फ्राइडे और आज मुझे है ऑफ, आज मुझे छुट्टी है, तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा खा के आज का दिन भी थोड़ा प्रोडक्टिव करेंगे। कल सैटरडे संडे पता नहीं कल का दिन भी कुछ कर पाएंगे या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी आने वाले हैं इवेंट्स, उसके बाद कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह अभी शुरू हो गए तो टाइम कम मिलेगा, बट व्लॉग नहीं रुकेगा। जो भी है जैसा भी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो ऐसे ही बने रहे। तो अभी दूध को करते हैं गर्म, ब्रेड खाएंगे हम चार, और ये वाले ब्राउन ब्रेड काफी अच्छे हैं, ये मुझे ऑलमोस्ट 75 सेंट्स में गिरे हैं। जो कुछ सामग्री लगेगी हमें चिकन के साथ वो सारा भी काट के रखेंगे, तब तक मस्त थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब पेट थोड़ा अपना संतुष्ट रहे, उसके बाद चिकन के साथ और संतुष्ट करेंगे। अपना यहाँ पे सब काट के हो गया, राइस भी हमारा ऑलरेडी बन गया है और यहाँ पे घर पे बात हो रही है सबके साथ, और चिकन अपनी अभी हो गई है, जो ठंडी थी वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई, तो फटाफट अभी चालू करते चिकन की रेसिपी। ऑलमोस्ट अपनी चिकन रेडी हो गई है, बस उसे ज्यादा ही मैं ओवर कुक कर रहा हूँ क्योंकि एकदम मुंह में घुल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा खाने को। तो मैं अभी बहुत ही लेट हो गया, मेरे को बहुत अति लेट हो गया, मतलब बोलेंगे तो सुबह का दोपहर, दोपहर की शाम होने वाली है और मैं अब तक यहीं पे पड़ा हूँ। तो वैसे ऑफ डे कब खत्म हो जाता है, प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, तो मैं फटाफट अभी खाता हूँ एंड दस खाने के बाद मैं निकलूंगा, अगर होपफुली जा सके तो उनके पास जाएंगे। तो जी गर्मा गर्म अपनी चिकन रेडी है इस नज़ारे के साथ। तो इस चिकन का जो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई थी घर की, उसका हम आस्वाद लेंगे और इस चिकन को इंजॉय करते करते खाएंगे। आई होप अच्छी बनी हो, मैंने ट्राई किया है तो अरोमा तो बहुत रंगीन और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो बस शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे जो दोस्त बने थे फर्स्ट डे पे उनके साथ उनके यहाँ पे जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ वहीं पे कुछ हो सके तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन अपने 1000 सब्सक्राइबर का कर लेंगे। वैसे आज 30 सितंबर है, कल से नया महीना शुरू हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो जा ही रहे और मिलते भी हैं उनको और उनके साथ थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी करते हैं। वैसे भी आज फ्राइडे है, सो मोस्टली कल 2 दिन वीकेंड में थोड़ा आराम ही करूँगा, थोड़ा मेरे साथ ही गुजारूँगा। तो चलो फिर दोस्तों, थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है तो ये भी लगा के ही जाते, तो चलो बढ़ते हैं फिर और सीधा मिलते हैं बाहर। तो भाइयों निकल गए हैं, शाम हो गई है, तो अभी हम लोग पहले बस पकड़ेंगे, यहाँ से जाएंगे सिटी सेंटर और सिटी सेंटर से फिर हम दूसरी बस चेंज करेंगे और वहाँ से जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। यहाँ से मुझे 31 किलोमीटर बता रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर बता रहा है, तो पहले ही इस नियर बाय बस स्टेशन से मैं सिटी सेंटर की बस पकड़ता हूँ। और क्या नज़ारे दिख रहे हैं भाइयों, देखो आप, वाओ, आसमान एकदम से प्यारा हो गया, वाओ,
बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते शाम के वक्त। बस मिली है अपनी को और अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो 14 नंबर बस है जो मुझे सिटी सेंटर पहुँचाएगी। ये वाली बस है 120 जिससे हम जाने वाले हैं। सो ये एक्चुअली बड़ी बस है और मोस्टली मुझे पता नहीं सर इधर मेरा लिप कार्ड यूज़ होगा कि नहीं। सो मैं क्यू में खड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इतना दूर। सो होपफुली यही सही रहे क्योंकि यहाँ से कुछ सेवन या एट स्टेशन के बाद वो रुकेगी, वो ब्रॉकलैंड या फिर ऐसा स्टॉप का नाम है। तो वहाँ पे ऐसे बस स्टेशन का सब लिखा हुआ है एक एक करके जहाँ पे अपना स्टेशन अपनी 120 बस है, तो यहाँ पे उसके स्टॉप्स लिखे हुए हैं, ऐसे हर बस के स्टॉप्स लिखे हुए हैं। बस में आगे अभी ऊपर बैठते और भाई काफ़ी बढ़िया बस है, मैं कहीं फिर सॉर्टेड जगह पे बैठ लूँगा, यहीं पे बैठता हूँ। तो ये नॉर्मल सिटी बस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़ा लंबे सफ़र के लिए है। सो भाई क्या है भाई, बहुत बहुत ही बढ़िया बस है, मतलब मज़ा ही आ गया। और मेरा यहाँ पे शायद 2 ईयर कट हुआ है इसमें, शायद लंबा डिस्टेंस के लिए। नॉर्मली मैं सिटी सेंटर में घूमता हूँ तो ये लिप कार्ड मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है जहाँ पर मैं जाता हूँ। सिटी सेंटर में मैं 90 मिनट्स के अंदर अगर कितनी भी बस चेंज करूँ सिटी सेंटर के तो मेरा 1 ही यूरो होगा कट, मतलब 90 मिनट्स के बाद करूँ तो 1 यूरो के आगे 1 यूरो कट होगा, बट इसका 2 यूरो है। तो शायद ये सिटी सेंटर से और थोड़ा बाहर जा रही है इसके लिए हो सकता है। देखो और ये सारे स्टॉप्स दिखा रहे, तो होपफुली मुझे वो लेके जाए वहाँ पे। एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, नीचे भी वही वैसा ही है जैसे ऊपर है। तो चलो नज़ारे एंजॉय करते करते जाते हैं। वो दर्शकों पहुंच गए ब्रुकलैंड्स, ये ब्रुकलैंड स्टॉप है, 120 बस यहाँ पे आती है। एंड काफ़ी बस से जैसे उतरा वैसे ठंड काफ़ी बढ़ गई, सो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी रही है अभी यहाँ पे। अच्छा है मौसम, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट एक वेदर बहुत प्लेजेंट है। और ये भाई बहुत आउटस्कर्ट्स में है तो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। एंड बस जर्नी सो फार सो गुड अच्छी थी एंड ठंडी हवाएँ भी बहुत आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ का माहौल दिन में कल सुबह देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, मनु आ रहा है तो वो उससे मिलता हूँ, देन उनके घर पे जाता हूँ, देन देखते हैं आप भी क्या क्या कर पाएंगे क्योंकि 1K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन तो बनता है ना भाइयों, क्योंकि आपने जो प्यार दिया है, आपने जो विश्वास रखा है उसे पूरी हद से हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। सो अभी जाता हूँ, मनु आएगा तो अपने भाई लोग भी आ गए यहाँ पर, फाइनली मिल गए। जस्ट मैं ऐलान कैसा होगा आज का, अभी यहाँ से जाते हैं उनके घर पे और मिलते हैं आप सबको सीधा घर पे। फाइनली हम लोग आ गए इनके घर पे, तो चलो इनका घर देखते हैं, भाई बहुत बड़ा है। हेलो, सो इनका घर है, वाव। सो ये मस्ट भी हॉल रहेगा और किचन भी यहीं पे, वाव। ये वॉशिंग मशीन रहेगा, ये वॉशिंग मशीन है, ये डिश वॉश है, डिश क्लीनर है, वाव। ओवन बाथरूम भाईयो। और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज यही लगी मुझे, खाना भी खा सकता है, दिस इज स्टोर रूम, वाओ। थॉमसन्स क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, वाह वाह, ओके। So there is three room, yeah. Three bedroom, two room. This two, one is bathroom. Two, this is a storeroom. This is the storeroom. Oh. And we can put this some clothes here. This is a mechanism for our water. And okay. This is Jackie's and this room menu. Is for our Jason. This is my room. Jason's room. Wow. Personal. Only one personal advantage room. That we have, like in our room we have a attached bathroom and toilet. Wow. So that's why you choose even this room. Even we have heater also. Like heater also. Do centralized heater. Oh wow. We have only have shower. Wow. So that's it is also good and compact bathroom. Yeah. But better than mine. Even we have isolation overhead. Oh wow, best room. We have a balcony also.
वाओ भाइयों, कल सुबह इधर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये बैकयार्ड है और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लोगों का घर है, सो बहुत लोग रहते हैं। और बैकयार्ड का लॉन देखो, ये सुबह सब नज़ारे पता चलेंगे आपको। सो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और आपको जैसे पता है 1K का सेलिब्रेशन यहीं पे होने वाला है भाइयों के साथ। सो 1K का केक भी यहाँ पे रेडी है। सो हम लोग ने अभी जस्ट केक लिया है टेस्को से। सो इट कॉस्ट अराउंड 7-7.5 यूरो, मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट 700-800 रुपए का एक केक है। तो वो लेडी ने हमें सजेस्ट किया कि काफ़ी अच्छा है। You know what?